कि अगर मैं आइडियल गैस की बात करूं तो हम कहते हैं कि एन आइडियल गैस उबे गैस लॉस पीवी दैट इज इक्वल टू एन आर टी आई मीन जनरल गैस इक्वेशन एंड पास्टुलेट्स ऑफ के एम टी ऑफ गैसेस एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये हमने बात की थी जब हमने डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस को पढ़ा. अब दूसरी तरफ आ जाए, अगर मैं नॉन आइडियल गैस की बात करूं, रियल गैस की बात करूं, तो रियल गैसेस जिसे स्टूडेंट हम ना नॉन आइडियल गैसेस भी कहते हैं, डू नॉट ओबे ऑल दीज आई मीन गैस लॉज पीवी इक्वल टू एनआरटी के एमटी ऑफ गैस, इनको ओबे नहीं करते. अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कब, क्या तमाम कंडीशन पर भी ओबे नहीं करती? नहीं, ओबे नहीं करती पर्टिकुलरली एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. स्टूडेंट, जो रियल गैसेस है ना, जिन्हें हम नॉन आइडियल गैसेस जो कि हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, जो भी हम गैसेस CO2 H2O H2 HeCONO2 जो भी हमारी सराउंडिंग में गैसेस है, ऑल दीज आर रियल गैसेस. तो रियल गैसेस इनको ओबे नहीं करती, खास तौर पर किन कंडीशन पर, हाई प्रेशर पर, लो टेम्परेचर. और यही चीज है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. अच्छा, इसको पढ़ने के लिए ना हम एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. स्टूडेंट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, ये है क्या, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन पी इज इक्वल टू एन आर टी, ये जनरल गैस इक्वेशन. अगर मैं पीवी को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये मेरे पास बन जाएगा एन आर टी ओवर पीवी. स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और मैं इसे जी से जेड से रिप्रेजेंट करूंगा. स्टूडेंट, मैंने ना एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर एब्सिसा पे प्रेशर को लेना है. अगर मैं एटमॉस्फेयर में लेता हूं, टॉर में ले लें, एटमॉस्फेयर में ले लें, तो ये मेरे पास 200 एटमॉस्फेयर, 400, 600, 800 एंड सो ऑन. और अब वाई एक्सिस पे आई मीन ऑर्डिनेट पे आप लेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आई मीन आप लेंगे एनआरटी ओवर पीवी, आप लेंगे जेड, और यहां इसकी वैल्यू है 0.5, यहां इसकी वैल्यू है 1, यहां 1.5, यहां 2 एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट, हमने ग्राफ प्लॉट किया जिसमें प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को वाई एक्सिस पे लेते हैं. एक बार याद रखना, जरूरी नहीं कि प्रेशर को ही आप ले, आप वॉल्यूम को भी ले सकते हैं. यानी आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अगेंस्ट प्रेशर भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, दोनों में से जो मर्जी ले. अब आप ना आइडियल गैस ले लें, आइडियल गैस, और माय डियर स्टूडेंट, आइडियल गैस के लिए आप किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे आइडियल गैस के लिए, आपके पास ये वैल्यू आएगी 1. तो ये है फॉर आइडियल गैस, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी प्रेशर पर, आपके पास जेड की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आती है 1. 1 मीन यूनिटी, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए. इट मींस कि आइडियल गैस इस रिलेशन को ओबे करती है. ये रिलेशन है क्या, ये जनरल गैस इक्वेशन है,
जनरल गैस इक्वेशन क्या है? जनरल गैस इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लॉस, और यही वो जनरल गैस इक्वेशन है जो केएमटी की पास्टुलेट उसको भी इजहार उसका करती, एक्सप्रेस उसको करती। अच्छा, अब मैंने आइडियल गैस के लिए क्या कहा? मैंने आइडियल गैस के लिए कहा कि इसके लिए जेड की वैल्यू जो है वो वन है, हम इसे यूनिटी बोलते हैं। स्टूडेंट, ये ना एग्जाम में बतौर एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज यूनिटी, या फॉर आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, नीचे चार ऑप्शन आपको दे देते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज यूनिटी, द करेक्ट ऑप्शन इज वन। अब दूसरी बात, अगर आप किसी रियल गैस की बात करो, आई मीन आप किसी नॉन आइडियल गैस की बात करो, तो नॉन आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू जो है ना, या तो वो वन से कम होगी या वन से ज्यादा होगी, यानी या जेड की वैल्यू जो है वो मोर देन वन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जेड की वैल्यू होगी पॉजिटिव, एक से जीरो से ज्यादा होगी, या जेड की वैल्यू जो है ना वो लेस देन वन होगी। तो दोनों रियल गैस में जेड से वन, जेड से वन से ज्यादा, या जेड की वैल्यू वन से कम, दोनों सूरतों में जो है वो इस स्ट्रेट लाइन से पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, रियल गैस की सूरत में ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन से डेविएट करता है। अब जिस गैस की वैल्यू जितनी स्ट्रेट लाइन से ज्यादा डेविएट करेगी उतनी वो नॉन आइडियल भी हो चुका, और जिस रियल गैस की वैल्यू इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जितना पैरेलल होगी, जितना क्लोज होगी, उतनी वो गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। हमने काम करना है, हमने ना कुछ रियल गैसेस लेनी है, मसलन आप ले लें हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द नॉन आइडियल गैसेस, दीज आर द रियल गैसेस। स्टूडेंट, आपने ना इन गैसेस पे एक्सपेरिमेंटेशन करनी, आपने पहले जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर आप, ये टेम्परेचर बता रहा हूं, आप प्रेशर की मुख्तलिफ वैल्यूज लेते जाएं, यानी 1 टॉर, 50 टॉर, 100, 1 एटमॉस्फेयर, 50 एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर, इस तरह आपके पास 200, तो प्रेशर की डिफरेंट वैल्यूज पर वॉल्यूम की वैल्यू नोट करते जाएं, और जो आपका आंसर आए पीवी इज एनआरटी ओवर पीवी, वन मोल ऑफ गैस ले लेना इन सब का, वन मोल ईच। तो स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने तमाम गैसेस की बारी बारी वन मोल जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर पर आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम नोट करते जाए, जो आपके पास आंसर आए जेड का उसको यहां पर प्लॉट करेंगे हर एक गैस के लिए अलग अलग, फिर हम एक ग्राफ जो है ना उसको यहां पर डिवेलप करेंगे। दूसरी बात, अब आपने इन गैसेस का दोबारा बारी बारी वन मोल लेकर अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन जो है उसको देखते जाए, और एक हम और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये दो ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है और कौन सी नॉन आइडियल, और फिर हम उसके रीजन जानने की कोशिश करें। तो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू आई उसकी बेस पे अब हम ना जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्राफ एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एट लो टेम्परेचर, तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। बेसिक नॉलेज हमारे पास क्या है? बेसिक नॉलेज है कि हमने एक्स एक्सिस पर प्रेशर लेना है, इसको एटमोसफियर में ले लो 200, 400, 600, 800, और स्टूडेंट y एक्सिस पे जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं आप z लेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेंगे, यानी एनआरटी ओवर पीवी को लेंगे। एक चीज इधर जो है वो 0.5 z की वैल्यू, यहां पे 1, 1 मीन यूनिटी, यहां पे 1.5 और यहां पे 2 आ गया, एंड सो। स्टूडेंट अगर आइडियल गैस की हम बात करें तो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आती है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज फॉर आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए मेरे पास आ गया वैल्यू। अब आ जाए आप हीलियम की बात करें,
आपने हीलियम पे एक्सपेरिमेंटेशन की, जो डाटा आया उसकी बिना पे आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो हीलियम के लिए स्टूडेंट आपके पास ये आया, दिस इज फॉर हीलियम। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें ना, तो आपके पास ये आया, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए स्टूडेंट मेरे पास इस तरह का ग्राफ आएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, पहले नीचे और फिर ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इस ग्राफ से ना बहुत सारी चीजें हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट जो हम समझेंगे ना वो है हीलियम की बात करते हैं। स्टूडेंट हीलियम का ना अगर आप लो प्रेशर, ये वाला ना इतना प्रेशर, इसे मैं लो प्रेशर कहता हूं प्रेशर, और ये वाला जो हमारे पास आ रहा है ना इसे हम कहते हैं हाई प्रेशर, 600, 700, 800, इसे हम हाई प्रेशर कह रहे हैं और इसे हम लो प्रेशर कह रहे हैं। अगर आप लो प्रेशर में देखेंगे ना हाइड्रोजन को और हीलियम को, तो उनका वैल्यू जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के करीब करीब है। इस हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन के करीब वैल्यू देना आइडियल बिहेवियर शो करता है, तो इसका मतलब है लो प्रेशर पर ये गैसेज जो है ये आइडियल बिहेवियर शो करती है। लेकिन अगर आप हाई प्रेशर पे जाएंगे तो हाई प्रेशर पर आप देखेंगे इन दोनों गैसेस की ये जो वैल्यू है ये हॉरिजेंटल लाइन से दूर होगी। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों जो है लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर कंपैरेटिवली, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा ये नॉन आइडियलिटी शो करती जाएंगी, हॉरिजेंटल लाइन से अवे होती जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं बात करूंगा नाइट्रोजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। स्टूडेंट देखें नाइट्रोजन पहले नीचे वैल्यू, नीचे का मतलब है जेड की वैल्यू जो है वो 1 से नीचे आ गई, नीचे आ रही, और उसके बाद जो है ना इनकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में देखेंगे तो उसका जो ट्रेंड है, उसका जो बिहेवियर है वो इन सब से मुख्तलिफ है, पहले बहुत कम और फिर बहुत ज्यादा। ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्यों होता है, ये पहले नीचे क्यों फिर ऊपर क्यों? स्टूडेंट जरा समझने की कोशिश करना। ये जो इक्वेशन हमारे पास है ना पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी, ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये तीन गैस लॉज का कंबिनेशन है, जिसमें एक है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा है कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, या हमने पढ़ा पीवी दैट इज इक्वल टू की, दिस वन इज द बॉयल्स लॉ। जब मैं बॉयल्स लॉ आपको पढ़ा रहा था ना तो मैं कुछ बातों पर जरा जोर दे रहा था, जरा गौर से सुनना मैं क्या कहता था। मैं कहता था कि ये रिलेशन हमें बताता है कि जितने गुना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जितने जितने गुना प्रेशर ज्यादा होगा आप इंक्रीज करेंगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा, या यानी अगर आप प्रेशर दो गुना बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम दो गुना कम हो जाएगा, अगर आप प्रेशर चार गुना बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम चार गुना कम होगा, उसी तनासब से। अब भला होता क्या है, आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका मोलेकुलर साइज कदरे बड़ा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूल्स के दरमियान वंडरवाल फोर्सेस पाई जाती है। अब एक कंटेनर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, आपने क्या किया, आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर प्रेशर दो गुना बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, और अब आप क्या सोचते हैं कि वॉल्यूम दो गुना कम होगा। स्टूडेंट ऐसा ही हुआ, जब आपने प्रेशर दो गुना बढ़ा दिया ना मॉलिक्यूल्स करीब हुए प्रेशर कंप्रेस होने की वजह से, और मॉलिक्यूल करीब आ गए और वॉल्यूम दो गुना कम हुआ। लेकिन अगला काम क्या हुआ कि जब मॉलिक्यूल करीब आए ना उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग हो गई, उन अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, और उस मोलेकुलर इंटर मोलेकुलर अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल मजीद एक दूसरे के करीब हो गए, यानी
प्रेशर आपने दो गुना बढ़ाया, वॉल्यूम दो गुना कम नहीं हुआ, दो गुना से ज्यादा कम हुआ. क्यों? ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इंटर मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन. जब आप प्रेशर दो गुना बढ़ाएं, वॉल्यूम ज्यादा टाइम ज्यादा गुना बढ़े, तो फिर आप ये नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे. हां, अगर आपने प्रेशर दो गुना बढ़ाया, वॉल्यूम दो गुना कम होता, तो फिर आपने किधर जाना था? स्ट्रेट. फिर आपने आइडियल बिहेवियर नोट करना था. लेकिन नाइट्रोजन की सूरत में या कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में ऐसा नहीं हुआ. अब अगला पॉइंट, ठीक है, ये तो समझ आ गई ना कि मोलेकुलर इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन की वजह से जब मॉलिक्यूल करीब आए तो वॉल्यूम हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कम हो गया मोलेकुलर अट्रैक्शन की वजह से. अब अगली बात, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, अब जेड की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही, पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जा रही. अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि अब मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं. अब अगर आप प्रेशर चार गुना बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम चार गुना कम नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल करीब आने की वजह से उनके दरमियान रिपल्शन शुरू हो जाती है. उस रिपल्शन की वजह से चूंकि वॉल्यूम उतने गुना डिक्रीज नहीं कर रहा, लिहाजा आपका ग्राफ किधर जा रहा है? ऊपर. एक तो यह बात आपने ज़हन में रखनी है इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है. स्टूडेंट जरा गौर से देखना, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया ड्यू टू इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन. लेकिन अगर आप हीलियम और हाइड्रोजन को देखेंगे ना, तो उनका ग्राफ नीचे नहीं आया, बिल्कुल वो थोड़ा सा ऊपर चला गया. यानी उसकी सूरत में Z नेगेटिव नहीं आया, Z पॉजिटिवली ऊपर ही गया. ऐसा क्यों हुआ? वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल आंसर स्टूडेंट. फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम द वैल्यू ऑफ A इज वेरी समान. व्हाट इज A? A इज द वंडरवाल कांस्टेंट. और A हमें क्या बताता है? A हमें बताता है द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. चूंकि हाइड्रोजन और हीलियम की सूरत में A की वैल्यू बहुत कम है, इट मींस कि हाइड्रोजन और हीलियम इनके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ना होने के बराबर है, बहुत कम है. लिहाजा जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और अट्रैक्शन ना होने की वजह से फर्दर वॉल्यूम रिड्यूस नहीं होता. अगर फर्दर वॉल्यूम रिड्यूस होता जैसे कि CO2 N2 की या अमोनिया के केस में होता है, तो फिर इनका भी ये ग्राफ पहले नीचे आता. तो हम हाइड्रोजन और हीलियम की सूरत में ये कहेंगे कि इनकी Z की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं आती. उसकी भी सिंपल रीजन ये है कि इनकी A की वैल्यू स्मॉल है, और A स्मॉल का मतलब है कि इनके मोलेकुलर अट्रैक्शन बहुत कम है, ना होने के बराबर. स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं कि इन चारों में कौन सी गैस ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, तो वो गैस जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ज्यादा करीब हमें वैल्यू दे रही, और वो है हीलियम. तो हीलियम इन चारों में हीलियम ज्यादा आइडियल बिहेवियर शो करती है, और ज्यादा डेविएशन कौन शो कर रही है आइडियलिटी से? वो है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड इनमें सबसे ज्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही है. एक और भी ज़हन में रखनी बात जो हमारे यहां मतलब की है कि लो टेम्परेचर पर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी कम है, और हाई प्रेशर पे जाके डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी ज्यादा है. तो लो प्रेशर पर गैसेस कंपैरेटिवली आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और हाई प्रेशर पर जाकर वो गैसेस नॉन आइडियल बिहेवियर शो. अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. दिस ग्राफ वाज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर. नाउ दिस ग्राफ इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. आई मीन दिस ग्राफ इज एट हाई टेम्परेचर. हमारे इसमें भी वही फॉर्मुलेशन है कि हम एक्स एक्सिस पे प्रेशर ले रहे हैं, प्रेशर को सपोज एटमॉस्फियर में 200, 400, 600, 800 एंड सो ऑन. और वाई एक्सिस जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, इसमें हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेते हैं एनआरटी ओवर पीवी. यहां पे वैल्यू आप ले लें, here the value is 0.5, here is 1.0 unity, 1.5 and we have the 2.0. अगर आप
आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस की वैल्यू जो है वो यूनिटी है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये आ गया आइडियल गैस। तो स्टूडेंट आइडियल गैस के लिए मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हम बढ़ते हैं नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम और हाइड्रोजन। आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटेशन की, जो डाटा आया उसको यहां पे प्लॉट किया। स्टूडेंट हीलियम के लिए ना मेरे पास ये ग्राफ आया है हीलियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए मेरे पास ये ग्राफ आया। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो मेरे पास ये ग्राफ आया, और अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो मेरे पास ये ग्राफ। ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, और नीचे वाला हीलियम के लिए। स्टूडेंट ऊपर वाले ग्राफ में एक बात क्लियर थी, वो यहां भी क्लियर है। वो क्या कि हाई प्रेशर पर डेविएशन ज्यादा है, मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। आप यहां देख सकते हैं हाई प्रेशर पर डेविएशन ज्यादा है, इसका मतलब गैसेस शो नॉन आइडियल बिहेवियर एट हाई प्रेशर। वही बात यहां भी नजर आ रही, लो प्रेशर पर आइडियल बिहेवियर और हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर पर जाकर आपके पास नॉन आइडियल बिहेवियर। अब जरा टेम्परेचर पे आओ, अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को जरा दूर से देखेंगे तो नजर आएगा के लो टेम्परेचर वाले ग्राफ में डेविएशन ज्यादा है और हाई टेम्परेचर वाले ग्राफ में डेविएशन क्या है, कम है। अगर आप इसको जनरली देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास आ गया जी लो टेम्परेचर, ऊपर वाला केस तो लो टेम्परेचर में मोर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। स्टूडेंट यही दो बातें मैंने आपको याद करवानी थी, यानी अगर मैं इन तमाम चीजों को दोनों हमारे जो ग्राफ हैं इन दोनों ग्राफ्स को मैं कंक्लूड करूं तो मेरे पास जो बातें सामने आती हैं, कंक्लूजन में एक तो बात आप ये नोट करें ना, पहला पॉइंट कि गैसेस, रियल गैसेस, गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल, मैं ये बिहेवियर की बात कर रहा हूं, एट हाई प्रेशर। एक तो ये बात हमने फाइंड आउट की, दूसरी बात द रियल गैसेस टेम्परेचर की बात करूं दे आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। ये दो बात है। पहले तो ये इसमें अब आप इसको देख लें, आइडियल एट लो प्रेशर एंड आइडियल एट हाई टेम्परेचर, यानी लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, इसके बरक्स नॉन आइडियल बिहेवियर किस पे होता है, हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर। मिक्स नहीं करनी बातें स्टूडेंट, चीजों को मिक्स नहीं करना। अगर एक छोटी सी बात जेन में रख लेना तो ये मिक्स हो ही ना। वो क्या है जेन में ये रखना है कि अगर गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है तो वो आइडियलिटी है, और अगर गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन आ गया तो दैट इज द नॉन आइडियलिटी। अब जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर कम करते हैं तो एक्चुअली आप इन दोनों कामों से, प्रेशर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स करीब आ गए, टेम्परेचर कम करने पर उनकी स्पीड कम होगी और उनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी, यानी ये दोनों जो बातें हैं प्रेशर का बढ़ाना टेम्परेचर का कम करना, ये दोनों बातें मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन का बायस बनती है। ये दोनों कंडीशन जो है ये उस गैस को नॉन आइडियल बनाती है, और इसके बरक्स अगर प्रेशर कम करें टेम्परेचर बढ़ाएं, प्रेशर कम करने पर मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और यूं उनके दरमियान अट्रैक्शन तकरीबन खत्म होती जाएगी, और अट्रैक्शन ना होना आइडियल बिहेवियर है।
अब दूसरी बात हमने क्या नोट की इस सारी डिस्कशन में, हमने क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हीलियम है, ये कंपैरेटिवली आइडियल बिहेवियर शो करती है, आइडियल बिहेवियर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन है, ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपकी तवज्जो एक बात की तरफ दिलाई कि ये आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के कंसेप्ट ना लिया करें। आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, ये नहीं, आइडियल बिहेवियर एंड नॉन आइडियल बिहेवियर। तो आप बिहेवियर की बुनियाद पे बात किया करें। तो ये दोनों, दे शो द आइडियल बिहेवियर एंड दीज टू गैसेस शो द नॉन आइडियल बिहेवियर। अब वजह बहुत सिंपल है कि ये जो दोनों गैसेज हैं, एक तो इनका साइज बहुत छोटा है, स्मॉल साइज होने, और दूसरा ये नॉन पोलर है। तो स्मॉल साइज, नॉन पोलैरिटी, वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन आइडियलिटी, और लार्ज साइज, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल फोर्सेस, एंड दे शो द नॉन आइडियल बिहेवियर। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो मेरे पास रियल गैसेस थी, रियल गैसेस, इन्होंने हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर वैल्यू क्यों नहीं दी? इनके Z की वैल्यू यूनिटी 1 क्यों नहीं है? इसका मतलब है कि एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना, वो इसमें लाई करता है, P इक्वल टू nRT। और अगर मैं इससे भी पीछे जाऊं तो एक्चुअली जो साइंटिस्ट था वेंडरवाल WALS, स्पेलिंग ना जरा देखा करें स्टूडेंट, आप ना अक्सर स्टूडेंट को मैंने देखा वो WALL लिखते, तो जरा स्पेलिंग को देखें, जॉनसन वेंडरवाल। वेंडरवाल जो है ना, इसने हमारे पास 1873 में, तो उसने कहा था कि ये जो आइडियलिटी से, आइडियल बिहेवियर से जो डेविएशन हो रही है, रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो नहीं कर रही, वो कहते हैं इट इज मेनली ड्यू टू सम फॉल्टी अजम्पशन ऑफ KMT। हमने KMT की ना 8 पास्टुलेट स्टडी की हैं, तो वंडरवाल कहता है कि उन 8 पास्टुलेट में से ना 2 पास्टुलेट जो हैं वो फॉल्टी हैं, और रियल गैसेस जो हैं उन पास्टुलेट को ओबे नहीं करते। वो कौन कौन सी हैं, यानी फॉल्टी पास्टुलेट ऑफ KMT ऑफ गैसेस? एक तो पास्टुलेट वेरी सिंपल, वो थी KMT क्या कहती है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये पहला पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इट इज अकॉर्डिंग टू KMT ऑफ गैसेस। दूसरी बात, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये दो बातें हैं, KMT के ये दोनों जो पास्टुलेट्स हैं, आइडियल गैस के लिए तो बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने बार बार जिक्र किया कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप होगी, इट मींस वो आइडियल गैस नहीं है, वो नॉन आइडियल गैस। और दूसरी बात देखें, वो कहते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, दैट इज नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। तो एक्चुअली जो वॉल्यूम, वो जो हम कहते हैं ना गैस का, द वॉल्यूम ऑफ द गैस, उसमें मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो कंसिडर नहीं कहते। KMT कहती है द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इनडेफिनेट, गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता ही नहीं, गैस मॉलिक्यूल डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो फिर वो जो गैस का वॉल्यूम है, KMT कहते दैट इज एक्चुअली द एम्प्टी स्पेस। अब ना ये दो बातें हैं, ये दोनों जो पास्टुलेट हैं, रियल गैस इन पास्टुलेट को ओबे नहीं करती। कैसे नहीं करती, आइए जरा देखते हैं। स्टूडेंट, पहले हमने देखना है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ये मेरे पास एक कंटेनर है,
इसमें ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. हम इसको ना देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं. ये सिचुएशन तब होती है जब आप गैस को हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे लेते हैं. लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल दूर दूर और हाई टेम्परेचर पर उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, यू उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, है ही नहीं. दिस इज द आइडियल गैस. लेकिन ये केएमटी को फॉलो कर, उसकी पास्टुलेट को फॉलो कर रही है. लेकिन अगर आप इसी गैस को हाई प्रेशर पर, यानी आप 1 एटमोसफियर के बजाय आप इस पर प्रेशर आप 200 एटमोसफियर कर दें और इसका टेम्परेचर कम कर दें, यानी 30 डिग्री या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, नाउ द गैस इज एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर. हाई प्रेशर ने क्या किया, मॉलिक्यूल्स को करीब ले आया, लो टेम्परेचर ने मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी कम कर दी. और यूं अब देखें, अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप हो गई. जब डिवेलप हो गई इट मींस कि अब वो पास्टुलेट वो फॉल्टी हो गई, गलत हो गई, रॉन्ग हो गई. अब दूसरी सूरत हाल देखें, ये मेरे पास गैस है, नाउ द गैस इज एट लो प्रेशर, दूर दूर है एंड द टेम्परेचर इज कंपेरेटिवली रूम टेम्परेचर. तो अब इन दोनों कंडीशन पे देखें, अगर स्टूडेंट मैं कुछ देर के लिए मॉलिक्यूल सारे को इकट्ठा करके साइड पे ले जाता हूं, तो अब जब मॉलिक्यूल सारे फर्जी तौर पे इकट्ठे करके साइड पे ले गए, अब ये जो मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस. अब इसमें देखेंगे तो रफली अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 0.05%. ये तो बहुत ही कम है, यानी जो एम्प्टी स्पेस है, वॉल्यूम ऑफ फ्री जो है एम्प्टी स्पेस, वो आ गया 99.95%, और मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम कितना हो गया 0.05%. इस केस में तो ठीक है ना, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेगलिजिबल, आई मीन 0.05% टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. लेकिन अगर आप इसी गैस को कंप्रेस करें, कंप्रेस करके हाईली कंप्रेस स्टेट में ले आए, तो अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे, नाउ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज अबाउट 20% टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. तो इसका मतलब है आप 0.05% को तो नेगेट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप 20% को नेगलेक्ट नहीं कर सकते. इसका मतलब है हाई प्रेशर पर जाकर द गैस, द वॉल्यूम, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नो मोर नेगलिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट हाई प्रेशर. स्टूडेंट लास्ट में हमने कंक्लूड क्या किया, हमने कंक्लूड ये किया कि ये जो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर है, इसकी वजह वो दो फॉल्टी अजम्पशन है जो हमने केएमटी की में पढ़ी है. तो आगे जो हम हमारे पास लेक्चर आ रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अबाउट द वंडरवाल इक्वेशन. वंडरवाल जो है वो इन्हीं दो बातों को बुनियाद बनाकर एक इक्वेशन देगा, एंड दैट इक्वेशन इज सूटेबल फॉर रियल गैसेस. तब तक आपको वेट करना पड़ेगा. अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.